नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए कैसे हो आप सब, आशा करता हूं ठीक होंगे। आपने थंबनेल्स में देख ही लिया है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स केंद्रीय सशस्त्र सीमा पुलिस बल, यहां से बड़ी भर्ती निकलकर आ रही है दो प्रकार के पदों पर। एक तो है हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल, दूसरा पद है एएसआई स्टेनो। बहुत सारे अभ्यर्थी इस भर्ती के बारे में नहीं समझ पा रहे हैं आखिर ये भर्ती कैसी है, उनके मन में डाउट है। वो मैसेज कर रहे हैं, सर सीआरपीएफ के द्वारा जो भर्ती निकाली गई है, क्या इसमें पुलिस का जो काम रहता है उसी के इर्द गिर्द कार्य करना पड़ेगा। इसको देखकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सबसे बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। दोस्तों सीआरपीएफ के अंदर जो इस प्रकार की ये भर्ती निकाली गई है, ऑफिशियली नौकरी मिलेगी, क्लेरिकल वैकेंसीज है, कुर्सी पर आरामदायक पोस्ट है, कोई आपको बंदूक वगैरह लड़ने के लिए नहीं भेजा जाएगा। तो आइए इस भर्ती के बारे में ए से जेड तक सारी बातें करेंगे। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, 4 जनवरी से फॉर्म की शुरुआत हो चुकी है। तो बिना टाइम गवाए थोड़ा यहां पर ध्यान दे लेना, थोड़ा यहां ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, एक बार अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबाइए। देखिए सीआरपीएफ के अंदर जो भर्ती निकाली गई है इसकी हम बात करेंगे, टोटल वैकेंसीज कितनी है। तो भाई साहब इसमें टोटल पोस्ट है 1458 और 1458 बहुत ज्यादा वैकेंसीज होती है, फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना। ऑनलाइन तरीके से फॉर्म अप्लाई हो रहा है, 4 जनवरी से शुरुआत हो चुकी है और फॉर्म की लास्ट डेट है 25 जनवरी 2023। इसमें फीस मात्र लग रही है अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों की 100 रुपए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो, महिला हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से, तो एक भी पैसा एप्लीकेशन फीस का नहीं लगेगा। एग्जाम्स भी दोस्तों इसमें फिक्स कर दिया गया है पहले से ही कि 22 से और 28 फरवरी तक एग्जाम्स कंडक्ट करवा ली जाएगी। ये बहुत अच्छा कार्य होता है दोस्तों, हमें पहले से ही जब एग्जाम्स डेट का मालूम चल जाता है तो और हमें कहीं ना कहीं तैयारी में बेनिफिट्स होते हैं, फायदे होते हैं। एडमिट कार्ड के बारे में भी इसमें बता दिया गया है कि 15 एडमिट कार्ड आप लोग अपने अपने डाउनलोड कर लीजिएगा। एज लिमिट 18 वर्ष से 25 वर्ष जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी से हो तो 18 वर्ष से 28 वर्ष है, एससी एसटी वालों की 18 वर्ष से 30 वर्ष है। क्वालिफिकेशन दोस्तों केवल 12वीं पास है, परसेंटेज का कोई इसमें रोल नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते रहते हैं सर 12वीं क्लास में हमारी परसेंटेज कम है, क्या हम इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, ऑल इंडिया के महिला और पुरुष जिसके भी पास 12वीं क्लास की 12th की मार्कशीट है वह इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकेगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बातों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कैटेगरी वाइज थोड़ा यह भी देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी में कितना क्या पोस्ट है। तो यहां पर आपको यह कैटेगरी वाइज पोस्ट दिखाई दे रही है। पोस्ट का नाम है दोस्तों हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल, इसमें आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के 532 वैकेंसीज है, ओबीसी की 355 है, ईडब्ल्यूएस की 132 है, एससी की 197, एसटी की 99, टोटल 1315 हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई स्टेनो, जिसे हम कह सकते हैं, अनरिजर्व की 58 है, ओबीसी की 39 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस की 14 है, एससी 21, एसटी 11 है, टोटल 143 एएसआई की पोस्ट है। आखिर सिलेक्शन किस प्रकार होगा? दोस्तों सिलेक्शन को लेकर डाउट था क्योंकि पहले बताया जा रहा था पहले पीएसटी होगा या फिर एग्जाम्स होगी, तो अब बिल्कुल साफ साफ हमें रास्ता दिखाई दे गया है। जैसे ही ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हमने, उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि सबसे पहले सीबीटी एग्जाम्स होगी, कंप्यूटर पर एक एग्जाम्स होगी और जो भी एग्जाम्स को पास कर जाएगा नेक्स्ट स्टेप उसकी स्किल टेस्ट होगी। अब स्किल टेस्ट में अगर आप हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर के लिए फॉर्म अप्लाई करोगे तो इसमें टाइपिंग होगी, एएसआई पद के लिए अप्लाई करोगे तो स्टेनो की स्पीड देखी जाएगी, ठीक है, एंड आपका फिजिकल होगा। अब फिजिकल में दोस्तों बहुत बड़ी मजेदार बातें हैं, इसमें केवल पीएसटी हो रहा है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसके अंदर केवल आप लोगों की लंबाई और चेस्ट मापा जाएगा, पीईटी नहीं होगा। पीईटी के अंदर क्या है दोस्तों, दौड़ लगानी पड़ती है, इसमें दौड़ वगैरह कुछ भी नहीं है, इसलिए फॉर्म जरूर अप्लाई कर देना, फिजिकल तो नाम मात्र का है बस। नेक्स्ट दोस्तों फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट निकलकर आ जाएगी।
ठीक है, पहले सीबीटी एग्जाम्स होगी तो इसका एग्जाम्स पैटर्न भी देख लेते हैं। सिलेबस दोस्तों इसमें पहले से ही फिक्स कर दिया गया है और सिलेबस में बड़ा बदलाव भी किया गया है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क रहेंगे, 90 मिनट टाइमिंग रहेगी, नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहेगी। इसमें दोस्तों सब्जेक्ट तो वही आ रही है लेकिन क्वेश्चन और मार्क में थोड़ा चेंजेज कर दिया गया है। पहले क्या था, ये 200 अंक का पेपर होता था, 200 प्रश्न आते थे लेकिन उनको घटा करके 100 प्रश्न कर दिए 100 अंक के। हिंदी और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 अंक, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन 25 अंक के, रीजनिंग भी आएगी 25 क्वेश्चन 25 अंक, एंड दोस्तों मैथ्स भी आएगी 25 क्वेश्चन 25 अंक। पेपर का लेवल 10th पास रहेगा और पेपर का मोड हिंदी या फिर इंग्लिश में रहेगा, जो भी आपको लैंग्वेज आती है उसमें आप पेपर कर सकते हो। कंप्यूटर स्क्रीन पर ये सब्जेक्ट आएंगे। अब जो भी बच्चा इसको पास कर लेगा नेक्स्ट स्टेप फिजिकल टेस्ट के लिए जाएगा। फिजिकल में बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बच्चा भी पास कर देता है। हाइट देख लीजिए पुरुष अभ्यर्थी, अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी से हो ना तो 165 सेंटीमीटर हाइट का होना जरूरी है। एससी और एसटी के अभ्यर्थी है तो 161.5 सेंटीमीटर का हाइट का जरूर होना चाहिए, हाइट में छूट दी गई है 5 सेंटीमीटर। फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी 155 सेंटीमीटर, एससी एसटी की अगर फीमेल है तो 150 सेंटीमीटर की लंबाई होना जरूरी है। चेस्ट केवल पुरुषों का मापा जाएगा, पुरुष अभ्यर्थी जनरल वालों 77 से 82 एंड एससी एसटी अभ्यर्थी के लिए 77 से 81 चेस्ट होना चाहिए, महिलाओं का सीना से कोई मतलब है नहीं। अब दोस्तों इसमें जो टाइपिंग होगा ना ये नेक्स्ट स्टेप में रहेगा, यानी कि पहले आपकी सीबीटी होगी, टाइपिंग होगा, फिर जाके फिजिकल होगा। टाइपिंग हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की स्पीड देखी जाएगी कंप्यूटर पर, स्पीड इंग्लिश की 35 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी की 30 वर्ड प्रति मिनट, ये स्पीड इसमें देखी जाएगी। स्टेनो के लिए जो फॉर्म अप्लाई करेगा उसमें स्टेनो की स्पीड है, देख लीजिए आप 10 मिनट का समय मिलेगा, 80 वर्ड प्रति मिनट की आपकी ये स्पीड है। बाकी ट्रांसक्रिप्शन है 50 मिनट तो इंग्लिश में और 65 मिनट हिंदी में, ठीक है, ये आपका स्टेनो होता है। बाकी जो स्टेनो के लिए फॉर्म अप्लाई करेगा वो सब कुछ जानता है। नेक्स्ट दोस्तों सारा कुछ होने के बाद आप लोगों की नौकरी लग जाएगी और नौकरी जब लगेगी तो सैलरी भी इसमें मिलेगी, सैलरी के लिए ही तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। देख लीजिए सैलरी हेड कांस्टेबल जो मिनिस्टर की है ना वह बेसिक पे 25,000 रुपए से 81,000 रुपए है और एएसआई स्टेनो का बेसिक पे है 29,200 रुपए से और 92,300 रुपए। इनहैंड सैलरी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की 30,000 रुपए और एएसआई की शुरुआती सैलरी रहेगी 35,000 प्लस। बाकी सेंट्रल की नौकरी है, अलाउंसेज रहते हैं आपके, बहुत सारे सुविधाएं इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे सर पुराना कट ऑफ क्या गया था इस भर्ती का, तो दोस्तों पुराना कट ऑफ देख लेते हैं। वैसे पुराने कट ऑफ से इस बार मिलान मत करना, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का मैं कट ऑफ बता रहा हूं। पहले क्या है 200 अंक का पेपर आता था एंड 25 अंक का आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता था पेन एंड कॉफी मोड, इसमें आपसे निबंध और ऐसे लिखवाया जाता था, वो सब अब हटा करके अब मामला अलग हो गया है। पहले क्या है 225 अंक का सिस्टम होता था और ये जो कट ऑफ है 225 अंक से ही बनी है। अनरिजर्व 160 से 163 रही थी, ओबीसी 153 से 155, उस टाइम ईडब्ल्यूएस का कोई जिक्र था नहीं, एससी 130 से 137 और एसटी 100 से 110, ये पुराना कट ऑफ है दोस्तों 225 अंक से बना था। इस बार कट ऑफ आपका 100 अंक से बनेगा, ठीक है, तो वो हम आपको बता देंगे। बिल्कुल अभी आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिएगा, सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेना, वही सब्जेक्ट आ रही है जो दुनिया में आएंगी, ठीक है। अब बेस्ट बुक ये भी तो हमें देखना चाहिए कौन सी किताब है, टाइम कम है और ऐसी किताब होनी चाहिए जिससे प्रिपरेशन अच्छी हो, तो इसके लिए एक काम करना इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर देना, वहां आपको मैं बता दूंगा बेस्ट बुक इसके लिए। यहां बताऊंगा तो बहुत सारे अभ्यर्थी क्या है नेगेटिव सोच के है, वो सोचते हैं प्रचार कर रहा है और मैं किसी भी बुक का प्रचार नहीं करता, इसलिए वहां आप एक बार संपर्क कर लेना, आपको मैं बेस्ट किताब बता दूंगा। फिजिकल में इसमें कोई है नहीं, टाइपिंग भी दोस्तों इसमें थोड़ा ध्यान रखना है आपको, बिना टाइपिंग के पार नहीं पड़ेगी। यह है दोस्तों सीआरपीएफ का रिक्वायरमेंट, ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन है पीडीएफ, वहां से डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना। बाकी कोई आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो इंस्टा व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।